Hello and welcome to the yet another episode of the daily current affair series which we have already started. और आज है 14th of June 2023 और आज हम लेकर आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग करंट अफेयर सीरीज़ डेली कर रहे होगे और कुछ भी मिस नहीं कर रहे होगे। सो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द सीरीज़, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो डेली आपको मेंस राइटिंग के क्वेश्चन मिल रहे हैं कि आप वो कर रहे हो या नहीं, जो आपके आसपास में गार्डियंस या जो भी एडुकेटर्स हैं आप उनको भी दिखा सकते हो, या फिर आप हमें भी उसका फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हो, हम एनालाइज करने के बाद आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे आपके मेंस राइटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आपका 2024 में। एक और बात जो ये UPSC के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साथ में UPPCS और BPSC के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला ही जो क्वेश्चन है वो है कैपिटेशन फ़ीस के ऊपर। कैपिटेशन फ़ीस ये होती है जिसमें स्कूल जो है इलीगली ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आपसे ज़्यादा पैसे मांगते हैं, जो भी सर्विस वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और जितना भी आपसे कमिटमेंट होता है बिफोर एडमिशन, उससे ज़्यादा पैसे अगर वो चार्ज करें तो उसे कैपिटेशन फ़ीस कहते हैं। मतलब देखा जाए तो ये एक तरह का इलीगल ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। जो भी नॉर्म्स मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन के द्वारा डिसाइड किए हुए हैं उससे ज़्यादा पैसे लेना इज़ अ कैपिटेशन फ़ीस, ठीक है। तो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है इकोनॉमिक्स में UPSC हमेशा पूछ देती है। ये हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है ये इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं, जब मैंने समझा ही दिया तो आपके लिए ऑप्शंस ईजी हो जाएगा। अ फी हायर देन द अप्रूव्ड बाय रेगुलेटरी नॉर्म्स 100% करेक्ट, सॉरी अ फी कैप अप्रूव्ड बाय रेगुलेटरी नॉर्म्स, नहीं, मैंने पहले बताया कि फ़ीस जो है हायर चार्ज किया जाता है, जैसे कभी आपसे कुछ भी डिमांड कर देंगे एनुअल चार्ज के नाम पे या किसी भी तरह के चार्ज है, वो ज़्यादा डिसाइड मांग देता है। अ फी चार्ज फॉर कैपिटल एसेस, बिल्कुल गलत, और ए फी दैट इज़ एग्जेम्प्टेड अंडर द इनकम टैक्स, नहीं, फीस एग्जेम्प्ट कैसे हो सकता है जब ये हायर और इलीगल ट्रांजेक्शन है तो एग्जेम्प्ट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर वन है वो 100% करेक्ट है, और ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बिफोर क्वेश्चन समझाया है। चलिए तो नए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक NK सिंह का चेयर किया हुआ है कमेटी है जिसको FRBM रिव्यू कमेटी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या जा रहा था, डेप्थ टू GDP रेशियो जो था 2022-23 का, ठीक है, वो शुड बी 60% विद अ स्प्लिट बिटवीन स्टेट्स एंड 40% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी 20%, ठीक है। एक्चुअली ये रेशियो था जिसको स्प्लिट किया गया था 40 और 20 के रेशियो में। दूसरा ये कह रहा है कि सेटिंग अप टू ऑटोनोमस फिस्कल काउंसिल, ठीक है। फिस्कल का मतलब क्या समझते हो, देखो ये भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का ही है और दूसरा कि ये हमने द हिंदू से लिया है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ फिस्कल का मतलब क्या कहता है। फिस्कल डेफिशिट हमेशा आप सुनते को मिलते होगा, तो फिस्कल का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। अकाउंट्स के जो स्टूडेंट होंगे डेफिनेटली वो फिस्कल का मतलब ईजिली समझते होंगे। हाँ, जो अदर से हैं जैसे साइंस से हैं या फिर आप देखो तो आर्ट्स वाले, उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। देखा जाए तो ये सिंपल भाषा में बताऊँ तो इट इज़ पब्लिक मनी, ठीक है। स्पेशली जो टैक्स से कलेक्ट की जाती है उसको कहते हैं फिस्कल। कभी कभी सुनते हो ना आप गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिशिएट हुआ, मतलब टैक्स कलेक्शन उतने नहीं हुए, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज करिए और हमें आंसर बताइए कि FRBM रिव्यू कमेटी जो है जिसे NK सिंह जी ने चेयर किया था वो आखिर कहती क्या है, ठीक है। चलिए होप कि आपने आंसर अपना दे मार्क कर दिया होगा। देखो FRBM रिव्यू जो है वो जनरली 2016 में ही बैठाई गई थी, ये आज का नहीं है, 2016 में, ठीक है। किसके चेयरमैनशिप में, तो NK सिंह, ठीक है। और इसमें फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट के बारे में बात की गई थी, ये वही है FRBM जो फुल फॉर्म अभी आपको मैंने बताया। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिव्यू था, और देखा जाए तो FRBM जो है वो इनैक्ट किया गया था 2003 में, ठीक है। और उसके बाद फिर 2016 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट में NDA आ गई, BJP प्लस उसके अलाइंसेस, तो उसके बाद इसको एक बार फिर से इंप्लीमेंट किया गया था। देखो हमेशा सरकार को आप सुनते ही हो गए, पर्टिकुलर एक स्टेट्स पे इतने कर्ज हैं, उस स्टेट्स पे इतने कर्ज हैं, ठीक है। तो उसको टैक्स कलेक्शंस प्रॉपरली नहीं होती है। देखा जाए तो हमारे देश में सिर्फ 6% लोग टैक्स पे करते हैं इनकम टैक्स, बाकी सिर्फ पूरे के पूरे जितने भी जनसंख्या है, अब तो हमने चाइना को भी सरपास कर लिया है एज अ पॉपुलेशन
इंक्लूजन में देखो तो उसे भी सरपास करने के बाद भी सिर्फ 6% टैक्स जो है वो कलेक्ट हो रही है। 2017 में इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया था, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव यही थे कि रिव्यू करना जैसे FRMB एक्ट क्या है, कैसे काम कर रही है, प्लस फ्यूचर फिस्कल फ्रेमवर्क जो है और रोड मैप तैयार करना कंट्री के लिए। फिर लेटर देखा गया तो कमेटी जो है वो वाइडेंड हो गई और उनके व्यूज़ रिकमेंडेशन जो है 14th फिनांस कमीशन और एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन के द्वारा भी रिव्यू की गई, ठीक है। तो और इसमें कुछ ये नहीं है, हाँ देखा जाए तो 2.5% का ये भी देखा गया फिस्कल डिफिशिट जो है 2.5% ऑफ GDP 2022-23 में ये देखा गया था, ठीक है। तो आई होप कि इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आंसर आप खुद ही लगा लोगे कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसमें जो सेटिंग अप की गई थी ऑटोनोमस फिस्कल काउंसिल के तौर पे, ताकि ये अपना जो प्रस्ताव है, अपने विचार को ये विदाउट एनी हेजिटेशन और किसी तरह का बाउंडेशन के तहत ये रख सके, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आप एक्सप्लेनेशन पार्ट है, आप चाहो तो इसे अच्छे से देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MSME। MSME का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि MSME का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अगर आप यूपी और SC प्लस स्टेट PCS के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा इतना बेसिक नॉलेज तो लोगों को होगी, ठीक है। क्योंकि अगर इतना बेसिक नॉलेज नहीं हो तो फिर थोड़ा सा पढ़ाई मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो करेंटली MSMEs जो है वो क्लासिफाइड की गई है अमाउंट इन्वेस्टेड ओनली, कितना वो अमाउंट इन्वेस्ट करें, मतलब देखा जाए तो कैपिटल का बात कर रहा है। आज तीनों के तीनों न्यूज़ जो हैं आपके इकोनॉमिक्स से ही हैं और इसे हमने लाइव मिनट से लिया है, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला हम चार न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और लाइव मिनट और PIB। लेकिन अगर आज PIB से कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई तो हमने इसे जैसा भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसे हमने कवर किया, ठीक है। देखो जैसे MSME के बारे में अगर सिंपल बताऊँ तो उद्यम प्लेटफॉर्म आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम, जिसको रैम भी बोलते हैं, स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स हैं, CGTMSE स्कीम्स है, ISEC स्कीम्स है, ठीक है। ZD जिसको बोलते हैं जीरो डिफेक्ट एंड इफेक्ट के नाम से भी स्कीम्स हैं। मीन्स परस्पेक्टिव में भी देखा जाए तो सिग्निफिकेंस ऑफ MSME जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2018 से पहले क्या हुआ था कि MSMEs जो थी वो कैटेगराइज की गई थी अबाउट देयर अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स। और इससे पहले आपको इसका आंसर करके बताओ, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर। आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर, तो ये बिल्कुल 100% करेक्ट है, ठीक है। और इन रेगुलेशन दिया, अब इसका थोड़ा हम लोग सोल्यूशन पार्ट भी देख लें। एनुअल टर्नओवर जो है कोऑपरेट करती है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स में। दूसरा, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अराउंड 120 मिलियन पर्सन्स इन इंडिया। 120 मिलियन, समझ लो कि 1 मिलियन 10 लाख होती है, तो 10 से इंटू कर दो तो कितने हो गया, समझ लो बहुत बड़ा फिगर, मतलब करीब करीब अच्छा खासा फिगर को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, ठीक है। और देखा गया था इससे पहले ये 110 मिलियन को जॉब ये कर रही थी, अब 110 हो गई है, ठीक है, 120 हो गई। और पहले 15% MSME का जो था वो उद्यम प्लेटफॉर्म के थ्रू होता था, ये याद रखिएगा, 15% किसके, तो उद्यम प्लेटफॉर्म के तहत, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि उद्यम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखा जाए तो जनरली ये बून है रूरल डेवलपमेंट के लिए, बहुत बड़ा बून है, आप भी चाहो तो इनिशिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, हमेशा इंसान को प्लान बी लेके चलना चाहिए। हाँ, अदरवाइज मत लीजिएगा कि वी आर डी मोटिवेटिंग यू, ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा प्लान बी हमेशा एक रखना चाहिए कि इफ़ ये नहीं तो क्या, ठीक है। प्लस फ्रंट रनर है मेक इन इंडिया मिशन का, जो हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था मेक इन इंडिया के तहत। सिंपल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो इंटरप्राइजेस के लिए किया गया, तो और भी बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रोथ, लेवरेज, एक्सपोर्ट्स, जितना भी आपके एग्जाम के लिए 8% GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी MSME देखा जाए तो। चैलेंजेस भी बहुत है, फिनेंशियल कॉन्स्टेंट नहीं है, लैक ऑफ इनोवेशन है, अब मेजोरिटी ऑफ स्मॉल फर्म्स है, लैक ऑफ फॉर्मुलेशन अमोंग MSMEs है, तो ये सब इसके चैलेंजेस भी हैं। लेकिन जितना हमारा PT पर्सपेक्टिव, वुमेंस पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. अगर ये सारे के सारे दिया हुआ है, परमा कल्चर, कवर क्रॉप्स, सॉयल इनरिचमेंट, बायो इंसेंटिव, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, अब अगर देखा जाए तो थोड़ा इसको डिस्कस कर लें तो ये हमारा इकोनॉमिक्स से ही है, कहा जाए तो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, प्लस आप चाहें तो साइंस में भी ऐड कर सकते हो, पर ये सब क्वेश्चन इकोनॉमिक्स है. आज इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आए हैं, और आजकल देखा भी जा रहा है कि 98% क्वेश्चन UPSC अब सिर्फ करंट बेस्ड इकोनॉमिक्स से पूछता है. इकोनॉमिक्स के 98% क्वेश्चन जो है वो करंट बेस्ड होते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसे हमने लिया है इंडियन एक्सप्रेस से, उसमें डाला हुआ था बिजनेस टाइम्स में. चलिए तो देख ले, परमाकल्चर, कवर क्रॉप्स, सॉयल इनरिचमेंट और बायो इंसेंटिव इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. स्क्रीन को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, एंड फिर लेट आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर. ठीक है, सर जो करेक्ट आंसर है वो है सारे के सारे. इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं वो ऑलरेडी ऐड किए गए हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है, देख लो लिस्ट पूरा. ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्रॉप रोटेशन, परमाकल्चर, कवर क्रॉप्स, सॉइल इनरिचमेंट प्लस नेचुरल पेस्ट प्रीडेटर्स. ठीक है, बायो इंसेंटिव इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, पॉलीकल्चर फार्मिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री और बायोडायनेमिक फार्मिंग को भी ऐड किया गया. ठीक है, तो ये इतना सारा फिगर जो है आपको याद रखना है, और इसे कोई चारा नहीं है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी में से 3-4 उठा के UPSC दे देगा और उसके बाद बोलेगा ये है या नहीं. अगर हमें पूरा याद नहीं होगा तो फिर हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट वाली बात हो जाती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है. इसके बाद मैं आपको दूंगा आज का जो डेली हम लोग मेंस राइटिंग का एक क्वेश्चन लेते हैं वो आज तो मैं आपको दूंगा. होप कि आपने पहले के जो लेक्चर्स हैं उसके क्लियर कर लिए होंगे, तो आज ये और उसे बनाओ, लिखो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत हेल्पफुल होगा. चलिए तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द स्टैंड अलोन मिनिस्ट्रल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर IT पॉलिसी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन इंडिया. कहने का मतलब ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको IT भी कहते हैं, ठीक है, MEI कैपिटल T एसर स्मॉल T और कैपिटल Y. ठीक है, ये एक स्टैंड अलोन मिनिस्ट्रियल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इनकम टैक्स पॉलिसी और स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट ये सब करने के लिए. दूसरा, जो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स हैं, ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि नहीं सॉरी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं भी अलग स्टेज में चला गया था, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये रूल्स जो 2021 के हैं, ग्रीवांस ऑफिसर एक्सपेक्टेड टू एक्नॉलेज रिसिफ्ट ऑफ द कंप्लेंट 24 घंटा के अंदर और उसे डिस्पोज करना है 15 दिन के अंदर. मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे ग्रीवांस ऑफिसर के सामने, ग्रीवांस ऑफिसर मतलब जो कंप्लेन सब लोग कहते हैं ना, तो कंप्लेन ऑफिसर समझ लो, कंप्लेन उसके सामने लिखा है, उसे 24 घंटे के अंदर उसे ये करना है और प्लस उसे रिजॉल्व करना है एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, चलिए तो होप कि आपने दोनों स्टेटमेंट अच्छे समझ लिया होगा. अब मुझे ये बताइए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और आंसर बताइए. चलिए अब आई होप कि आपने अपना आंसर मार्क कर दिया होगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नाइदर वन नॉट टू. पहला, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, वो ये कहती है एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. ठीक है, ये जो है एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, तो पहला गलत हो गया. इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कितब? तो 19 जुलाई 2016. ठीक है, तीसरा है अकॉर्डिंग टू IT रूल्स 2021 के तहत ग्रीवांस ऑफिसर एक्सपेक्ट टू एक्नॉलेज रिसिप्ट विद इन अ कंप्लेंट ऑफ विद इन 24 एंड डिस्पोज द सेम इन एन एप्रोप्रिएट मैटर. स्टेटमेंट टू इज अ करेक्ट, स्टेटमेंट टू करेक्ट. अच्छा हाँ, ये पूछा था ना कि विच आर नॉट करेक्ट, सॉरी हमने उल्टा देख लिया था, मतलब ये स्टेटमेंट टू जो था वो करेक्ट था. ठीक है, तो समझ में आ गए, इसमें नॉट करेक्ट पूछा, ये भी आपको ध्यान रहना है. कभी कॉल UPSC ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देते हैं विच आर करेक्ट, चल रहा हूँ, हमें हमेशा लगता है करेक्ट ही पूछ रहा है, पर कभी कॉल नॉट करेक्ट, इसलिए मुझे भी लग रहा था कि ये तो करेक्ट आंसर. पर चलो ठीक है, इसमें स्टेटमेंट वन भी सही थी और स्टेटमेंट टू भी सही थी, लेकिन विच आर नॉट करेक्ट पूछा था, इसीलिए दोनों के दोनों सही थे, तो नाइदर वन नॉर टू हो जाएगा. ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो हमारा करंट अफेयर्स था वो ख़त्म हो गया. तैयार हो जाइए मेंस एडिटोरियल का
एक क्वेश्चन के लिए। होप कि आप पिछला कर लिया हो आपने। और आज जो ये क्वेश्चन है वो भी एडुकेशन प्लेटफॉर्म से ही है। ई एडुकेशन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ई एडुकेशन, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। ई एडुकेशन प्लेटफॉर्म्स और देयर जनरेटिव एआई चैप्टर। एआई तो समझ रहे हो आप, आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जैसे चैट जीपीटी है, गूगल का बार्ट है, इस तरह का, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट भी अपना लाने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे काम बहुत आसान हो जाता है। इवन आप कुछ भी पूछो तो उसके 10 करोड़ पॉइंट ऑफ व्यू वो रख देगा आपके सामने विद इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, ई एडुकेशन प्लेटफॉर्म्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक एडुकेशन प्लेटफॉर्म्स प्लस, फिर से सुन लो, इलेक्ट्रॉनिक एडुकेशन प्लेटफॉर्म्स दे आर जनरेटिव ए आई चैप्टर्स, ठीक है, आर्टिफिशियल चैप्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैप्टर्स, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं आज का जो करंट अफेयर्स है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। होप कि आप इसे अच्छे से लगा रहे हो और एक दो बार देख लो, एक दिन में काफ़ी है, याद हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।